हम सब मिलकर सृष्टि पिता प्रभु को हम लोग स्वागत करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शुरुआत प्रार्थना से आराधना शुरुआत करेंगे। ए परम पिता, आपका चरणों पर हम लोग आया है। रविवार भी हमारा साथ रहिए, हमको चलाइए, हमको आशीष करो। जो टेडी चैनल के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और क्वायर हिंदी क्वायर ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो समय पर लोग यहाँ पहुँचा है आपका मंदिर में। उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब ये भक्ति गीत गाने जा रहा है, उनका साथ रहिए। एक गीत भक्ति गीत आपका महिमा प्रकट करने के लिए, उन लोग गाने के लिए उनको विदा करो, और गाने का समय आपका पवित्र आत्मा से उन लोग गाए और असर से गाए और गुनगुनाए, महिमा प्रकट करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब लोगों को, और अभी मैं आपका सेवक यहाँ खड़ा हूँ। आपका कृपा से, दया से मेरा साथ रहिए, मजबूत बना दिए, और जो आप यहाँ पवित्र वचन सुसमाचार प्रवचन बता रहे, आपका यहाँ खड़ा हुआ यहाँ बिठा सबके साथ आप बात करिए, और आपका महिमा प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। आपका सेवक को आप अपना साथ चलने के लिए विदा करो। फादर माँ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो भी अच्छा आराधना करे, आगे बढ़े, और हिंदी आराधना आगे बढ़े, और श्याम ग्रुप और संगीता और प्रियंका ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोग जल्दी लौटे और यहाँ शामिल हैं, आपका महिमा प्रकट करें। इस मसीह का नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ। आमेन, आमेन। आइए उत्तरदायी पठन बुलाना चाहता हूँ टीचर, हिंदी टीचर अरुणा जी को। वो आके साम 13 वो पढ़ेगी एक वचन, हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, उनका साथ देंगे, हम सब उठेंगे। हमारे प्रभु यीशु के नाम पर प्रणाम है। आज आराधना के लिए नियमित उत्तरदायी पठन भजन संहिता 13। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हृदय में दुखित रहा कर, कब तक मेरे शत्रु मुझे बुलाए? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर सुना हो कि जब मैं डगमगाने लगा, परंतु मैंने तो मेरी करुणा पर भरोसा कहा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होगा। आखिरी हम सब पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। अभी बाइबल पठन है संत मत्ती अध्याय 7-10 तक। सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 ऑन वर्सेस 7 ऑन वर्स 10। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन है, कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? हालेलुया। बाइबल संदेश सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो आगे हम आप बैठ के तैयार हो गए ऐसे देख रहे, तो मन को तैयार करो। मन का तैयारी और बहुत पसंद करता है परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बात बोलने वाला और उसका प्रवचन बोलने वाला, उनको उनका ओर से मत देखिए। उसका मतलब है बोलने वाला का ई मस्ट हैव एनी इन्फॉर्मिटी समथिंग एंड समथिंग दस वीकनेसेस होगा शायद, होने से भी उसको अलग कर दो और उसको पीछे छोड़ दो। और जो बात हम लोग यहाँ प्रवचन हम लोग पढ़ा है उनका ऊपर ध्यान रखो। आज आप प्रार्थना करके आया है, मैं भी ऐसे कोट और पेन का और बैग लेकर ऐसे एक मतलब वन ऑफ द वन मुसाफिर जैसे मैं नहीं आया, ऐसे कुछ कहाँ जाते मार्केट नहीं आया। रात पूरा पूरा वन वीक से हम लोग तैयारी में रहते हैं। अगर फ्राइडे सैटरडे संडे पूरी तैयारी होती है हम लोग, तैयारी मतलब
only praying on our knees and seeking unto the presence of the Lord and what is God is going to speak to you. मैं तो यहाँ पूरा पढ़ सकता हूँ, इतना पढ़ने के बाद और क्या बोलना उनके लिए मैं, I don't wait upon the Lord, it became in vain to stand here and to speak one word. Okay? मेरे लिए मैं, मेरे को ज़्यादा मैं फोकस करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ. और it is not a pretense and act of one role here, and we are going to play some other in your play sometime. I don't want. अगर समय है हम लोग सुनेंगे. यहाँ सात मत्ती और सात वचन, सेंट मैथ्यू चैप्टर 7:7. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगने से दिया जाएगा, वही पहला वचन हम ध्यान करेंगे. दूसरा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा. तीसरा है, खटखटाओ, सो नॉक, क्या होगा, और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोल देगा भगवान. तीन में से अगर समय हो तो ध्यान करेंगे, पहले एक को ध्यान करेंगे, वो है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा. ये हम लोग ना अभी हिंदी आराधना में हम लोग शामिल हैं, और सवेरे सुबह सुबह 7:30 बजे प्रभु का चरणों पर हम लोग आया है. ऐसे सब लोग सोचते अचानक आ गया, वी केम एन एक्सीडेंटली हियर. एंड हु इज थिंकिंग लाइक दैट, आई केम एन एक्सीडेंटली एंड आई केम इन अ मैकेनिकल प्रोसेस. हर रोज आते थे, मैं भी आया ऐसे ऐसे रीति रिवाज से नहीं आया हम लोग. मैं ऐसे रीति रिवाज से नहीं आया हूँ, और आप भी नहीं आया. ऐसे मकसद है आपका, उनका जो इरादा है और उनका जो तमन्ना अरमान पूरा करने के लिए हम आया. और आपने अभी आया है तो स्तुति आराधना किया, आपका यह जो वरदान है. यहाँ खड़ा होकर सब लोग ना हमारा हिंदी बैप्टिस्ट चर्च हिंदी क्वायर ने शामिल होकर अच्छा तरीका से और गाना और भक्ति गीत गाया, कमिटमेंट से अच्छा है. उनका बाद अभी जो स्वर है, मेरा स्वर आप लोग सुन रहा है, उनका पीछे आप देख रहा है, भगवान का जो वचन है वो प्रवचन है आप सुना जा रहा है. आप प्रिपेयर होके आया, आपको प्रार्थना, आपने प्रार्थना करके आया. आज सुबह उठते ही आपने सूरज को देखा, जैसे एक बॉल जैसे उड़ते हैं समुद्र का अंदर किनारा से आते हुए देखा होगा शायद, और आपका जो बगीचा में फूल खिला होगा उसको देखा होगा. अगर आपको पेट होने से जो कुत्ता का साथ आप खेला होगा शायद, मैं नहीं मालूम. अच्छा मौसम आप देखा, पहले से इतना देख के अच्छा कप में कॉफ़ी पीकर भी हम लोग बोलते भगवान आज सुबह उठा मैं, शाम तक मुझे अच्छा सुरक्षित से रखो, जहाँ मैं गया वहाँ मेरा साथ आइए, मेरा जो काम में कामयाब होने के लिए मुझे. आज मैं चर्च संडे जा रहा हूँ, आपका दिन है, प्रभु का दिन है, मालूम है ये दिन प्रभु का है. वी हैव टू डेडिकेट दिस होल डे टू गॉड, नॉट वन डे वन आवर एंड आवर्स टुगेदर एंड यू डेडिकेट पार्शियली, ओके नो प्रॉब्लम. दिस टाइम यू डेडिकेटेड व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक टू योर डॉटर और सन, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड वी केम टू गॉड. अब आपने प्रार्थना करा, वो प्रार्थना सफलता प्राप्त कर भगवान ने मेरा साथ जो अभी प्रवचन अभी वो वाक्य संदेश से हम आपसे बात कर रहा है, वही द गॉड इज स्पीकिंग टू यू. अब हम सोचते हैं गॉड ऐसे आके भगवान आके खड़ा होकर बात करेगा, नहीं, ये भगवान का जो प्रवचन है वो बात करने वाला प्रवचन है, उसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ये मेरा नहीं है. जो बात करने का टाइम आप सोचना चाहिए, आप अभी दिल में कोई प्रार्थना करके आए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं मेरा परिवार सुरक्षा होना चाहिए करके प्रार्थना किया, और कुछ है और मेरा बच्चा आगे बढ़ा वो भगवान करके प्रार्थना करके आया, और कुछ लोग जॉब में थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है उनको लिए जो सा ओके एक अच्छा से मुझको एक जॉब दे दो करके प्रार्थना करके आया. और एक राजू हो सकता है, मेरा बीबी वहाँ है मैं यहाँ हूँ अकेला, मेरा बीबी को मेरा साथ जोड़ो, दो जोड़ी मजबूत हो जाएगा जब हम दोनों ऐसे जगमगाएंगे हिंदी आराधना में, दोनों मिलके गाने से अच्छा है वो, है ना, ऐसे ही वो प्रार्थना किया होगा.
और उनका जो लाने के लिए इरादा है वो पूरा मकसद नहीं हो रहा है, ऐसे प्रार्थना है। इसके लिए बोलते हैं मांगनो, मांगने का चीज आपका पास है, देने वाला भगवान है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगने से दिया जाएगा, बिना मांग के आने से नहीं देगा। बस हम लोग सोचते भगवान को मालूम है ना मेरा दिल, है ना माँ? डॉक्टर बोला मनोहर मैं मेरा दिल आपको मालूम है, मैं क्या करता हूँ आपको मालूम है, मैं सुबह उठता हूँ मालूम है, जे मैं सोता हूँ आपको मालूम है, मैं खाता हूँ पीता हूँ मालूम, सब कुछ मालूम है भगवान, आप ऊपर है मैं नीचे हूँ। अगर आप जानते हो फिर मैं मांगने के लिए क्या, अगर अकबा माँ हो, माँ को खाना के लिए बंदोबस्त कर रही है किचन में और रसोई में, आपने बोला माँ कैरेट का हलवा बोलने से ही बनाएगी, माँ मैं पूरी खाने के लिए मेरा मन तड़प रहा है, माँ भूख लग गया चूहा दौड़ रहा है पेट में, माँ माँ मांगना, मांगने में अपना रसोई घर में जो फूड है, खाना है, नाश्ता है, रसोई में तैयार होती है, माँ आपका दिल को पहचानती है, माँ आपका दिल का क्या है अंदर वो सब कुछ पहचानती है, आपको दिल में क्या तरस रहा है पहचानती है, लेकिन आप मांगने का इरादा करना चाहिए, मांगना चाहिए, बिना मांग के माँ नहीं देगी, बिना मांग के कोई नहीं देगा। परमपिता बोल रहा है जो मांगो आपका फर्ज है, वो मांगो आपका जो दिया गया है दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी कठिन नहीं है, परमेश्वर कोई असाध्य नहीं है, कुछ भी नॉट इम्पॉसिबल टू गॉड, इफ यू आस्क एनीथिंग दैट विल बी डन इन ए मोमेंट आई विल गिव यू। इसके लिए बोल रहा है मांगने के लिए तैयार हो, मांगना मतलब प्रार्थना है, भगवान से मांगना मतलब पूछना, समझो पूछो चॉकलेट दे दो, पूछ लिया, मैं ऐसे पूछा नहीं, ऐसे बोला यार बहुत अच्छा है पेन, कोई गाने से मैं बोलूँगा बहुत अच्छा गा लिया, आई विल गिव कॉम्प्लीमेंट पीपुल, मैं तैयार हूँ कॉम्प्लीमेंट, जो ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, नेल्लूर कड़पा, मेरे को ये इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अच्छा किया उसको बोलता हूँ अच्छा ही है, बोलो मैं बोला बहुत अच्छा पेन है लिखते हुए, उसको क्या हुआ मांग लिया, क्या पूछ लिया, जैसे उनका अंदर का अंदर उसका मेरा बात को ले लिया वो, और आज मैं देखो यहाँ रख दिया गोल्डन कलर का पेन, अगर मैं ऐसे बोला अच्छा करके, मतलब ऐसा पेन फादरी के पास रहने से अच्छा समझ के दे दिया, तो परमपिता है आप पेन और घर मकान और उनका आपका पढ़ाई आपका जॉब आप फॉरेन जाने का बंदोबस्त, कुछ भी आप पूछो, ऐसे महेश का अंदर दिल चश्मा थे, उनका अंदर मेरा बात इरादा रह गया, इतना दिनों का बाद लेके आके दिया ये चीज है, ऐसे चीज आपने मांगा वो दिया जाएगा। ये बोल रहा है जो कुछ चीज आपने मांग दिया, मांगने का ही इतना जल्दी वो आपको दे देगा, पूछो, पूछने में हम लोग मजबूर नहीं हो रहा है, हम लोग मांगने में मजबूर नहीं हो रहा है, भगवान आके मांगने में भी हम लोग शर्मिंदा हो रहा है, अगर मांगने से भी दिक्कत हो रहा है ना, इफ यू गो टू द डॉक्टर एंड इफ यू कैन शाय डॉक्टर आई कांट टेल माय डिसीज क्या होगा जी, अगर आप शर्म से शर्मिंदा हो जाएगा डॉक्टर के पास, वो आपको अच्छा दवाई नहीं दे पाएगा। अगर आपने बोल दिया खोल के दिल में ऐसे दिक्कत में हूँ, मेरा जो कोड़ी है जो मैं अंदर जोड़ा बीपी है, कुछ भी हो आप बोल दिए, जब उन्हें डॉक्टर अच्छा मेडिसिन देगा, इलाज करेगा, अच्छा इलाज करके आपको चंगा बना देगा। अगर परमपिता के पास आके हम लोग शर्मिंदा हो गया, वी बिकेम शाई टू आस्क गॉड, if you are failed to tell openly and opening our heart telling to god then god will not open his mouth saying one word hum log roti se nahi jeete hain man will not live by bread god said he will live that word every word not one word every word that comes from his mouth that every word that comes from my mouth it's not ajuba nahi banega chamatkar nahi banega It won't become a miracle and a deed.
जो कुछ उनका मुंह से आता है वो बात अजूबा से रह जाएगा और चमत्कार बना देगा और आपको अचुंबा बना देगा आपको. एंड यू बिकम एस्टॉनिश्ड एंड यू सी इनिग्मैटिक एंड आप ऐसे हो जाएंगे अस्टॉनिशमेंट. दैट इज कॉल्ड गॉड्स. इस पे क्या रहस्य है? एक ही एक शब्द, भगवान मेरे को ये कमी है, आई लैक दिस थिंग और आई वॉन्ट दिस थिंग, वॉन्ट आई नीड दिस थिंग. यू हैव अ नीड, यू हैव ए वॉन्ट. ही वॉन्ट टू फ्लरिश, ही वॉन्ट टू ग्रो, ही वॉन्ट टू गो समवेयर टू फ्लाई समथिंग, ओके वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर द थिंग यू आर आस्किंग. क्या चीज आप मांग रहे हैं? दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू वॉन्ट टू गॉड. देखो नहीं दिया करके कोई उसका ऊपर जो कंप्लेंट करेगा तो भगवान बोले आप मांगो जो चीज भी मैं देगा. देखो आपने तुम्हारा पुत्र कोई हो बेटी हो उनको यहां लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं 9 में देखिए, यदि तुम्हारे पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कोई है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरा होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज देते हैं, सहज नेचुरल जो मांगा वही सहज है, डोंट गिव अननेचुरल थिंग, इज आस्किंग नेचुरल, अननेचुरल थिंग नहीं देगा. अगर मछली मांगा सांप नहीं देगा, अगर रोटी मांगा पत्थर नहीं देगा, जो चीज मांगेगा वही देगा. वो ही भगवान का सच्चाई है, भगवान का सच्चाई है. द गॉड ऑफ प्रूडेंट एंड हॉनेस्ट गॉड ऑफ इनक्रेडिबल गॉड वी हैव, दैट वी सिंग द सॉन्ग व्हाट ए माइटी गॉड वी हैव. हम लोग बच्चे गाते हैं ना, व्हाट ए माइटी गॉड वी हैव, द माइटी गॉड एवरीथिंग इज अ पॉसिबल. अगर हमारा बुरा बाप है, हम लोग अच्छा बाप ही नहीं है, हमारा पुत्रों को बच्चों को जिस चीज मांगे वही सहज का चीज हमें देते हैं, तो बुरा नहीं है. ऊपर का परम पिता स्वर्गिक पिता वो ने अच्छा, प्रभु ने हमको अच्छा चीज देगा. वो चीज हम लोग मांगने से एक तो रहना चाहिए, मांगने में यू मस्ट हैव क्लैरिटी एंड यू जस्ट कम फॉरवर्ड इज ओपन माइंड आस्किंग टू गॉड एज योर फादर. है ना, पिताजी को कैसे मांगते हैं, माँ डॉक्टर, पिताजी पिताजी करके डोर का पास जाए कैसे करके, वो बचपन में, बड़ा हो गया कैसे मांगते. आप कभी भी कैसे मांगेगा आपके, ओ राजू माई बिलावड, कुछ भी बोल सकती है, मेरे को आने के टाइम कुछ भी लाना. अगर बच्चे हो तो कैसे पूछेगा, डैडी हमको अच्छा चॉकलेट चाहिए, क्लियर चीज हमको, हमको वो आने से ही हम जाएगा स्कूल. रात रात उठा, मैं रात को चॉकलेट आने से रात को जाके हम लोग उस बच्चे के लिए चॉकलेट ढूंढते हैं ना, ढूंढते हैं. डुंगू के लिए कितना कष्ट किया होगा आपने, हैं? वो कुछ भी बोलो जाओ रात रात भर आपको बना के देने के लिए. ऐसे हम है पिताजी और माता, जैसे मन है उनका ऐसे मन को उन्हें रखा, उनका मन भी ऐसा है, हमसे ज्यादा है मन उनका. इसलिए जो मन उनका अपना अंदर रखा वो तरस से हर मान है बच्चों का इरादा पूरा करने के लिए, ऐसे ही उसका मन है. जो मन हमको दिया वो ही मन ज्यादा मन उनका पास है. जो चीज मांगो जो सच से मैं अच्छा चीज देने वाला हूँ, कच्चा नहीं देगा, बुराई नहीं, बुरा नहीं देगा, अच्छा चीज देगा. इसलिए मांगने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ. अगल रविवार अगला महीना आके आप गवाह देने के लिए तैयार हो जाओ. दो चीज हमारा कमी है, एक तो खुल के नहीं बोलते भगवान का पास, खुल के हम लोग प्रार्थना नहीं करते. दोबारा दूसरा जो कारण है वो है हम लोग विश्वास से नहीं प्रार्थना करते, विश्वास से हम लोग मांगते नहीं. जो मांगने टाइम अंदर विश्वास से मांगना चाहिए, वो हो गया द एक्शन कंप्लीटेड, वो चीज दे दिया. हमारा भी अरमान है, इरादा है, बच्चे हैं सबके, लेकिन मैं कैसे मांगता हूँ, एक ही बात उनको
क्या बला है आप ही की मालूम है। तुम हो पिता, उसको पैदा किया, उनका माँ का पेट का अंदर डाल दिया, अच्छा से लेके आया, पढ़ाई किया, आपका बेटा है, मेरा नहीं है वो। अगर उसको क्या चाहिए, उसका अरमान क्या है, उनका मन का साथ मत लेके जाओ, जो आपका इरादा है उनका ऊपर उससे ले जाओ भगवान। बस मेरा प्रार्थना है, मैं ऐसे यकीन करता हूँ जैसे मैं प्रार्थना किया ऐसे वो बना देगा, बस देगा नहीं देगा। अगर मैं कुछ मांगा वो तो दिया करके मैं सोच कर विश्वास से रहना चाहिए, विश्वास में घबराहट नहीं होगा। घबराहट कभी आएगा, वेन वी साई, वेन वी मर्मर, वेन वी ग्रो, वेन वी बिकम अ टेरेबल, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल, वेन वी ट्रबल, सो वो चीज नहीं आएगा, तो वो चीज अच्छा चीज नहीं है, जो चीज अपना हम लोग हासिल नहीं करेगा माँ, जब हमको घबराहट हो जाएगा। वेन वी ट्रबल, वेन वी ट्रबल द पीपल, वेन वी ट्रबल ट्रबल अवर पेरेंट्स, वी आर अनेबल टू शूट द प्रॉब्लम द ट्रबल बिकॉज ऑफ द वेपन गिवन द प्रेयर, द प्रेयर द परसिस्टेंट प्रेयर, द प्रेयर इज अ इंटरसेशन प्रेयर, वी आर अनेबल टू इंटरसीड। हम लोग विज्ञापना करने के लिए हम लोग नहीं आते हैं कॉल के, इसलिए कोई पहले बोलने से मैं पहले बोल देता हूँ, इसलिए मैं कम पड़ जाता हूँ सबका सामने। ये फादर ही बोलने के टाइम भी पहले बोल देता है क्या, है ना माँ? डॉक्टर पहले बोलते नहीं है, वो नीचे सिर रख के लिखता रहेगा, कितना लिस्ट लिखेगा मालूम नहीं, पहले आरएक्स लिखेगा उसके बाद लिखता जाएगा, जिम्मर टू वो टू ये टू, उसके बाद हम लोग बोलते जाएगा लिखते जाएगा, बाद में देगा ए लो। मगर ऐसे पिताजी नहीं हमारा, हम लोग पहले बोलते हैं क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया, आपने मांगा दिया गया, बस हो गया काम, देता हूँ देने वाला हूँ ऐसे लिखा नहीं है, यार मैं देने वाला था नहीं दे पाया, मैं मांगने वाला था नहीं मांगने पाया, आपका दिक्कत है वो, इट इज़ योर वीकनेस अनेबल टू आस्क प्रॉपरली बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग ट्रस्ट एंड फेथ ऑन द लॉर्ड हु इज इनक्रेडिबल एंड इज एबल टू गिव एवरीथिंग, द गॉड ऑफ ओमनीपोटेंट, द गॉड ऑफ पेंटाक्रिएटर, द गॉड ऑफ ओमनी प्रेजेंट, द गॉड ऑफ माइटी गॉड वी हैव। वो तड़प रहा है जैसे पिताजी जैसे, कब मेरा पुत्र पूछेगा, कभी मेरे बेटी पूछेगी, मैं तैयार हूँ सोना बरसने के लिए, मैं तैयार हूँ उनको देने के लिए। अरे पूछ रहा ही नहीं है, अगर बच्चे खाना पूछे नहीं है तो खाना बना के रसोई में इतना से कैसे रख जाएगी, वो खाना किसी को दे देगी और वो बाहर फेंक देगा, कुत्तों को दे देगी। अगर पूछने के लिए वो बोल रहा है तो पूछो, कैसे पूछना है, खोल कर जो चीज है मांगो, और उसका ऊपर मांगने के ऊपर दूसरा क्या बोला, विश्वास रखो वो देगा करके। अगर जल्दी नहीं दिया आज टाइम रखेगा, तो टाइम है वो समय अंदर आप क्या करना चाहिए, होप इज देयर बिटवीन बिलीफ एंड दिस थिंग, बिलीफ इज देयर, फेथ इज देयर, देन ऐसे मोड़ के चला जाओ, यहां आपका होप। हम लोग उनके लिए देखना चाहिए, गिव टाइम टू गॉड, हिज टाइम इज देयर, ही हैज अलॉटेड एवरीथिंग वन टाइम, ही वॉन्ट टू बेयर समथिंग चिल्ड्रन, गॉड विल गिव टाइम, ही वॉन्ट टू गेट पी जी सी, दैट इज टाइम इज कम ऑलरेडी, ही इज अपॉइंटेड सम टाइम फॉर यू टू गिव, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। अगर आपने विश्वास से नहीं पूछा नहीं होगा, और विश्वास का विश्वास रखा है लेकिन आपको होप नहीं है, निरीक्षणा वो नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ फेल हो जाएगा। हम लोग मांगो, अब क्या क्या कमी है मैं बता रहा हूँ, अगर राजू का परिवार यहाँ टिक टाक रहेगा हो जाएगा। देखो ढूंढ रहे, खोज रही थी काना, जैसे अंगूरों का मीठा गुच्छा करके वो तो खोज रहा था, वो यीशु मसीह को खोज लिया। अभी 2 साल से आ रहा है ना, आप 2 साल से आ रहा है, ये पूरा 2 साल हम बर्बाद करते हैं, हम याद नहीं रखते हैं,
और मैं भी याद रखता हूँ राजू कितना दिन सारा ना ही मालूम, लेकिन भगवान वो सब लिखता है. आई टेल यू दैट द कमिंग फ्यूचर ई विल बी सेटल्ड. उनका बाल बच्चे का साथ, उनका परिवार का साथ सेटल होके कार में जाता रहेगा. याद करो, लिखो, कार में जाता रहेगा और चश्मा लगा के और खिड़की खोल के देखेगा नहीं देखेगा मेरे को मालूम नहीं. देन गॉड विल लिफ्ट देम अप. व्हेन वी वेट अपॉन हिम एंड गिव टाइम होप, उन्हें उनका ऊपर यकीन करो, विश्वास करो, पूछो, दिया दिया करके हम लोग विश्वास करने से उसका समय में वो अच्छुबा से चमत्कार करेगा परमपिता. ऐसे वक्त के लिए वक्त के ऊपर गुजारो मत. अरे वक्त आया नहीं, वक्त बर्बाद किया, वक्त में कुछ नहीं है. जो वक्त में आप इंतजार करो, इंतजार में आपको मिल जाएगा. इंतजार कैसे करना, उनका ऊपर डिपेंड होना. अगर राजू ने पूछ लिया और विश्वास कर दिया, अगर थोड़ा वक्त बढ़ गया तो यार मैं प्रार्थना किया इतना दिन से आया नहीं करके किसी किसी को हम लोग मुँह लगा के बोलने से भगवान का जो इरादा बर्बाद हो जाएगा. He has a plan on you, Raju. God has a plan, each and every one. He's engraved each and every one the palm. Don't worry. आपको डॉक्टर बनना है, बना दिया, हो गया. और आगे जाना है, हो गया. पीजी सीट दे दिया रेशमा को. अगर वो हासिल करने के लिए तैयार है तो फेथ यहाँ है, आ रहा है हिंदी आराधना में. और एक घंटा समय बिता रहा है यहाँ, वो घंटा समय बर्बाद नहीं होगा. Hours together, that is thousand and thousand will be multiplied. That thing will come. एक दिन भगवान का मंदिर का अंदर आप प्रार्थना में शामिल होने से आप कुछ चीज को है पीजी का सीट हासिल करेगा. वही है भगवान का मांगना. मांगने वाला का सबका नाम उनका दिल का अंदर है. God has His God remember and kept each and every name in His heart. He's not God of forgiveness. He's not a God of forgiveness. अगर हासिल कर लिया तो अभी उसको ऊपर वेट करना चाहिए. अब वेट कर रहा हो माँ अभी. When the thing comes true, when you going to get it, हासिल हो गया तो आप आके यहां गवाह देने के लिए तैयार हो जाओ. उसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, सबका सामने हम लोग शर्मिंदा होता है गवाह देने के लिए. इसलिए हम लोग डर जाते हैं, इसलिए बोलते हैं वो किया, ये किया, ये किया. किसी का नाम मत लो. रखवाला है, मुक्तिदाता है. जो मांगा वो ही चीज दिया. आपने मांगा वो ही दे दिया तो टेस्टिफाई स्टैंडिंग योर बिकम एन एंथुजियास्टिक विटनेस. उसको अदा करो, उनको दुआ करो, उनको दुआ करो. सो मांगो जो चीज आएगा आपका बच्चे के लिए. अगर आओ यकीन से पूछो और गवाह दे दो. तीन चीजें भगवान आपको पूछ रहे. सब देने के बाद कहता है हल्का. क्या हल्का? यार वो तो मैं पहले से ही पूछ रहा था, हो गया. साक्ष दे कमा गवाह. मैं पहले से पूछ रहा था, हो गया. उसका क्या था इतना बोल रहा है फादर, इतना क्यों बोल रहा है, इतना 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 क्यों आप तड़प रहे हैं, आपका क्या है अंदर? तो हो गया पूरा. ऐसे पहले था आप, पहले था आप ऐसे नहीं था, पहले दुख में थे, पहले आप डरते थे अंदर. भगवान ने जो डर आपका आंसू लेकर और उसका पहुंच दिया तो अभी आपने उसको हासिल किया आनंद से, संतोष से. अभी गाया ना वो, आके हम लोग बोलना चाहिए. बस प्रार्थना करेंगे. परम पिता आपका चरणों पर हम लोग बार आए. समय हो गया है इसलिए हम लोग यहाँ समाप्त कर रहा है. जो मांगो वो दिया जाएगा. मांग रहे हैं वो देने के लिए आप तैयार हो जाओ. जो शैतान है, जो आपका आपके लिए वो कुछ कर रहा है, उनका अभी में I rebuke in the name of Jesus Christ all the evil powers took to hells right now. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. हर रविवार 7:30 बजे हिंदी आराधना बैप्टिस्ट चर्च जवनी हॉल में यहाँ होगा. सब लोग समाचार बताइए आपका दोस्तों को और परिवार को, सहेलियों को बताइए. प्रार्थना करेंगे.
हे प्रभु, आपका चरणों पर हम लोग आया है। इस अंतिम प्रार्थना में आप रहिए, शुरुआत प्रार्थना से अंतिम प्रार्थना तक, और आपका लिए भक्ति गीत गाने के लिए उन क्वायर को भी धन्यवाद करते हैं। और आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह का नाम से अच्छा से गा के और आपका महिमा प्रकट करें। और बाइबल संदेश में आप है मेरा साथ, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मांगने के लिए सब लोग तैयार हो के जो चीज़ अच्छे आप देते हैं, अच्छे चीज़ हासिल करने के बाद उन लोग आके गवाह बने और सबको आपका महिमा प्रकट करें, सुसमाचार बढ़ाए। अभी मैं आपका सेवक हूँ, आपका पवित्र आत्मा से आगे बढ़ाइए। और हमारा दो बच्चे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका हाथों में उनको दे दिया तो आगे उन लोग आपका महिमा प्रकट करें। अभी ये दाना पर लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो एबनीजर अरुणा जी और चावली उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उन लोग आगे बढ़े, आशीष करो, उनका काम में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ के आपका महिमा प्रकट करे। और जावली का पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए विदा करो, जो डॉक्टर बनने का वो प्रार्थना करके पढ़ रही है, डॉक्टर बनने का विदा करो। जहाँ इन लोग मांग रहा है, सब लोग रेशमा और राजू और बोला जोजब बने वो सब लोग हैं यहाँ, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो परिवार है रामू और ममता, उनका बाल बच्चे के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और पहली बार कदम रखा हिंदी आराधना में उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। टिड्डी छाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये दान अर्पण दिया उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका परिवार के लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आशीष करो, आगे बढ़ने का विदा करो, आपका महिमा प्रकट करे और गवाह बने। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन। परमपिता उनका नाम से, उनका प्रिय पुत्र एकलौटा बेटा यीशु मसीह का नाम से और पवित्र आत्मा का नाम से, यह हिंदी आराधना शामिल है, सबको भला करे, आशीष करे, आगे बढ़ाए, आमेन।